उत्तराखंड में प्रधानाचार्य पद सीधी भर्ती को लेकर निरस्त करने को लेकर विरोध छिड़ गया है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड आंदोलन की राह पर है। प्रांतीय प्रवक्ता विमल सिंह चौहान ने बताया कि अगर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त नहीं की जाती है तो राजकीय शिक्षक संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका विरोध राजकीय शिक्षक संघ ने किया। उसी क्रम में प्रांतीय कार्यकारिणी ने चरणबद्ध आंदोलन करने को लेकर कार्यक्रम जारी किया, जबकि आज तक प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति का रहा है, जिसमें शिक्षक प्रधानाध्यापक बनने के बाद प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पाते रहे हैं और वर्तमान की सरकार शिक्षकों की पदोन्नति ना करके सीधी भर्ती पर अड़ी हुई है। संघ का कहना है कि इससे वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी कारण राज्य के समस्त राजकीय शिक्षकों में रोष व्याप्त है। साथ ही माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 सितंबर को विद्यालय में चौक डाउन, 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे, 6 सितंबर को जिला मुख्यालय में सभी शिक्षक अपने व्यक्तिगत अवकाश को लेकर आंदोलन करेंगे, 9 सितंबर को प्रांतीय और मंडल की समस्त कार्यकारिणी निदेशालय में धरना प्रदर्शन सहित अन्य दिनों पर अलग अलग तरह से विरोध करेंगे। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लेकर उसके विरोध में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड उसके विरोध में जो है आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है। चूंकि प्रधानाचार्य का जो पद रहा है वो अभी तक प्रमोशन से पदोन्नति से ही उसको भरा जाता था, और परंतु इस बार सरकार ने शिक्षकों की ना मानते हुए शिक्षकों के विरुद्ध जाकर ये सीधी भर्ती का जो है उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, उसका दियाचा निकाला है। और हमारा लगातार कई बार प्रांतीय कार्यकारिणी ने कई बार अपना विरोध दर्ज किया है कि इसको जो है पदोन्नति से ही भरा जाए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ शिक्षक जो हैं उनको इसका कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। केवल राज्य के 10% शिक्षक ही इसको फॉर्म को भर पा रहे हैं और 90% शिक्षक इससे अछूते हैं, तो जिससे हमारे राज्य के समस्त शिक्षकों में जो है आक्रोश है। और उसी को देखते हुए प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि हम जो है अब यदि सरकार इसको नष्ट नहीं कर रही है तो हम इसको आंदोलन के रूप में इसको शुरू कर रहे हैं, और 2 तारीख से हमारा जो है आंदोलन का चरण शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 तारीख को जो है समस्त शिक्षक विद्यालय में अपने चौक डाउन हड़ताल करेंगे और शिक्षण कार्य जिससे नहीं हो पाएगा। उसके बाद 5 तारीख को शिक्षक अपना शिक्षक दिवस ना मनाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में अपने अपने जिला मुख्यालयों में प्रत्येक शिक्षक छुट्टी लेकर अपने आकस्मिक अवकाश पर जाकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे।